नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। हमेशा की तरह इस बार भी 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां बड़े ही दम के साथ चुनाव मैदान में हैं और पूरी ताकत के साथ खम ठोक रही है, और सभी पार्टियों के नेता अपनी पार्टी की तरफ वोट को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच चुनावी गणित में सट्टा बाजार भी कूद गया है, और राजस्थान में सट्टा बाजार की माने तो कांग्रेस की सरकार बनना तय माना जा रहा है। सट्टा के भाव और लोगों के दांव लगाने के रुख से ये बात तय मानी जा रही है कि राजस्थान में कमल के बजाय हाथ का पंजा आगे निकल गया है। लोग कमल के बजाय हाथ के पंजे पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं, और बीजेपी कांग्रेस के भाव में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। अगर सट्टा बाजार के भाव पर गौर करें तो राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस बहुत ही बुरी तरह से हराते हुए नजर आ रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हॉट फेवरेट है, और उसे 128 से 130 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं बीजेपी 54 से 56 सीटें जीत सकती है। हम आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले मध्य प्रदेश में भी सट्टेबाजों ने कांग्रेस की ही जीत के कयास लगाए हुए हैं, लेकिन ये तो अनुमान है और असली रिजल्ट तो 11 दिसंबर को मिलेगा, जिसमें ये सबको पता चलेगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और कौन 5 साल विपक्ष में बैठेगा।